So we are moving towards the last concept of our chapter, and that is periodic trends in chemical properties. So we all have seen regarding physical properties and so many different things. So here the chemical properties of elements depends on basically हमारी जो chemical properties है कौन सी चीजों पे depend करती है, that is electronic configuration and various atomic properties such as atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, ये सारी चीजों पे हमारी chemical properties depend करती है. So we will see some variation of chemical properties in the periodic table. So let us have a look. यहाँ पे आप लोगों के साथ दो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें, बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यू ऑल आर आल्सो लर्निंग इन रेडॉक्स रिएक्शन दैट व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया. तो यहाँ बात करूंगी बैलेंस क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. ये दोनों एक ही चीज है, वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. तो उसके अगर डिफाइन करने जाए तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है, आपको जो इजी लगे आप लर्न कर सकते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ एलिमेंट्स. क्लियर, the valency of an element is defined as the combining capacities of the element. hamara jo element hai wo kis had tak combine ho sakta hai, wo hai valence. aur dusra agar definition isi definition ko main thoda twist karke likhu to the electrons present in the outermost shell are called valence electrons and these electrons determine the valency of an atom. तो कैसे आपको यहाँ पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. देखिए फॉर एग्जाम्पल Na एक सिंपल सा है जिसको 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So the electrons present in the outer shell. See here in the outer shell how many electrons are present? One electron are present. So इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? वन. एंड एज इट इज हैविंग वन, दिस वन विल डिटरमाइन व्हाट द वैलेंसी ऑफ एन एटम. तो अगर मैं Na की बात करूं तो Na हमेशा क्या बनाएगा? Na प्लस. तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की है. अभी यहाँ पे बात करेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंस इन द पीरियोडिक टेबल्स. तो ये तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा. क्लियर, तो यहाँ पे दो चीजों की बात करूंगी, वेरिएशन ऑफ वैलेंस इन द पीरियोडिक टेबल. सो जिसमें पॉइंट नंबर वन है वेरिएशन इन अ पीरियड एंड पॉइंट नंबर टू है वेरिएशन इन अ ग्रुप. सो पीरियड जो हमने लर्न किया था हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाली. आई एम गोइंग टू जस्ट शो टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर that what will be the variation in the period और किस तरह से valency आती है. तो S block में horizontally अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो please keep your periodic table along with you, just open at your place so that it will be more clear. तो S block में अगर आप देखें, देखें lithium के बाद है beryllium. lithium यहाँ पे उसका है 2s1, यहाँ पे है 2s2. ये मैं क्या क्या लिख रही हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यहाँ पे मैंने डिनोट किया है. फिर पी ब्लॉक में चले ग्रुप नंबर 13 का बोरॉन, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से ही है 2s2 2p1. कार्बन का है 2s2 2p2, नाइट्रोजन का है 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5 एंड नियॉन इज 2s2 2p6. सो हैव अ लुक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे आपको समझाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो यहाँ पे वन है तो मैंने वन लिखा, टू. अब देखिए यहाँ पे भी अब बोलेंगे टीचर आपने वन क्यों नहीं लिखा, मुझे इम्पोर्टेंट है मेरी ऑर्बिट. तो ये देखिए सेकेंड ऑर्बिट में ही है तो 2+1 कितने हुए, 3.
सेकेंड ऑर्बिट में 2 प्लस 2 4, सेकेंड ऑर्बिट की बात है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8। तो वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखिए यहाँ पे 1, सो एलएन प्लस 1, बेरिलियम बी प्लस 2, बोरॉन बी प्लस 3। अभी यहाँ कार्बन से चेंजेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखने जाऊँ तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4 आएगा। क्यों कार्बन को मैंने हाईलाइट किया है, आप सबको मालूम है कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसे एक बहुत बड़ी ब्रांच का निर्माण होता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड यू ऑल हैव लर्न फ्रॉम कार्बन दैट कार्बन इज हैविंग टेट्रा वैलेंसी, इट इज एग्जिस्टिंग इन बोथ फॉर्म एज कार्बन प्लस 4 एंड एज कार्बन माइनस 4। तो आई कैन से इंक्रीजेस फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 4, कार्बन पे आके वो रुक गया माइनस 4। अभी यहां चलिए, यहां पे जैसे हमने इसका प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा, यहाँ पे प्लस वाई नहीं लिख सकते, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स देके अभी यहाँ से बनना शुरू हो गए, यहाँ तक क्या बना हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारे कैटायंस बन रहे हैं। प्लस वन प्लस मतलब प्लस कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जब कार्बन की बात आई, कार्बन की बारी आई, तो कार्बन गेन भी कर सकता है और कार्बन लूज भी कर सकता है। क्यों? कि हमें मालूम है हमारा ऑक्टेट, हमारे ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, 8, 16, 32, ये आपने कॉन्सेप्चुअल आइडियाज पढ़ी है। तो एक ऑक्टेट को यहाँ पे देखिए, कुछ कार्बन कुछ ऐसे स्थिति में है जब कार्बन के पास वो किसी को 4 दे भी सकता है और किसी से 4 ले भी सकता है, इसीलिए ये डायरेक्ट सी प्लस 4 एंड माइनस 4। तो यहाँ से हमारे एनायंस बनने शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टेट 8 होने चाहिए, उसमें 5 के अंदर अगर मैं कितना ऐड करूँ, 3 को ऐड करूँ तो मुझे 8 मिलेगा। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का आएगा मेरा माइनस 3, मतलब यहाँ मुझे 8 बनाना है तो यहाँ पे मुझे माइनस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, इसीलिए एन माइनस 3, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ 6 है, तो 8 बनाने के लिए मुझे 2 गेन करने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब मैं गेन करूंगी तो मुझे कैटायन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटायन आ रहे हैं और यहाँ पे आपके एनायन आएंगे, यहाँ पे माइनस 1 एंड यहाँ पे 0। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, आई कैन सी इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस 4 टू 0। ऐसे अगर देखने जाए तो इंक्रीजिज ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल स्केल पे अगर देखें तो माइनस 4 से 0 पे जाएंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, लेकिन ये आपको इजी लर्न करने के लिए क्या यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यूज है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। तो ये हमारी बात थी वेरिएशन इन अ पीरियड। नाउ इफ आई एम गोइंग फर्दर, I will that about a variation in a group. Vertical की बात करें, यहाँ पे मैंने example दिया है, देखिए lithium sodium potassium bromine cesium potassium, BMG का सूर्यावारा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे सारे elements plus one ही दिखाएंगे, यहाँ पे सारे elements plus two दिखाएंगे, मतलब ये यहाँ पे देखिए तो plus three, सब में plus four, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, जैसे फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो Cl Cl माइनस 1, आयोडीन I माइनस, तो इसी तरह से ग्रुप में है। तो ग्रुप की बात करूं तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस द सेम एंड देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप एग्जिबिट सेम वैलेंस। सो यहाँ पे हम पीरियोडिक ट्रायंगल यानी कि प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहे इसी तरह, बहुत ही अच्छे से लर्न करते रहे केमिस्ट्री। एंड या वन मोर थिंग, अभी हम हमारे नए साल में आ गए 2021, सो 2021 वी होप एंड वी आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट दिस ईयर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट as you all will complete your standard 11 and in 12th हम बहुत ही अच्छे से बढ़िया से क्लास में पढ़ने वाले हैं। So till then stay safe, stay happy and stay tuned with me.
and learn chemistry. All the very best.